ज्यादा गंदा हो गया है इसलिए उस पे हम लोग खाने का रेसिपी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 10, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये पता नहीं कैसे लग रहा है ना कि किसी कपड़े में पता ना कि छूट जाता है रात में, तो इसका कलर जो है वो डिसकलर हो गया है, तो इसको अब टी शर्ट जो है वो हटा ही देना है। तो खैर कोई बात नहीं, चलता है, इतना थोड़ा बहुत तो चलता ही है। लेकिन ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मैं दो बार में पहन चुकी हूँ, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये तो हटा दो नहीं तो मैं फाड़ दूंगा टी शर्ट को। तो आज मैं फाइनली जब नहाऊंगी तो उसको हटाऊंगी, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कीजिएगा। और आज से मेरे व्लॉग में हो रही है किसी की एंट्री, जो कि डेली व्लॉगिंग होगा। डेली हम लोग व्लॉगिंग करने वाले हैं, और तो मैं तो करती हूँ व्लॉगिंग, बट आज नए मेंबर की एंट्री हो रही है। नए मेंबर क्या मतलब कि पहले था कि लोग वीडियो जो है वो साथ में नहीं बनाते थे, और कभी कभी ऐसे हुआ कि चलो उनको ले लिया, बट अब हमने डिसाइड किया है कि नहीं, अब हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा, आई होप कि पसंद आएगा। चैनल पर नया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं जो वीडियो है मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के फ़ोन से, अपने हस्बैंड के कैमरे से, तो शायद से कुछ अच्छा क्वालिटी आ रहा है, क्योंकि इनका जो फ़ोन है वो मेरे फ़ोन से फार बेटर इनका कैमरा है। तो चलिए ले चलते हैं अपने हस्बैंड के पास और पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ सारा का सारा बर्तन भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी आंटी जो है वो क्या कहते हैं साफ़ करके गई हैं। कपड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से पानी आ जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है कि पानी बाहर ना आए। और अभी जस्ट बर्तन साफ करके आंटी गई हैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय। और यहाँ रखा हुआ है अभी जो भी महीने का सामान आया था, चावल और आटा जो है, बाकी सारा सामान अंदर है, तो ये सब हो रहा है। ओए चाय गिर गया पूरा, आप ये चाय गिर गया पूरा, आके देखिए वीडियो बना रही, चाय देखिए पूरा गिर गया, देखिए चाय गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं है, इतना गिरना चाहिए। चाय गिर गया लेकिन साफ तो कीजिएगा, नहीं साफ मुंह करना पड़ेगा, आप साफ कीजिएगा। 2 अक्टूबर है बापू। सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं उसको, मजाक बना के सबने रख दिया। गांधी जी के जो है उनको पूरा बने नहीं यार, मटन जब दिखाएंगे हम लोग, मटन ही बने। क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया पे मजाक बना के रख दिया सबने, और हम लोग मटन भी खाएंगे, ऐसा ऐसा वीडियोस बना के, डांस वाला तो कभी रो रहे हैं, कोई रो रहा है, तो ऐसा वाला कुछ वीडियो बना के। तो चाय जो है यहाँ पे, चाय ये है मेरा गर्मा गर्म चाय, और ये है मेरा थोड़ा सा दिए हैं, इसमें चाय पत्ती नहीं डालें क्या जी? क्यों ना, मेरा स्पेशल चाय है। आपका स्पेशल चाय, इसमें चाय पत्ती ही नहीं है, कौन सा स्पेशल चाय है? ना खोया पनीर। खोया पनीर में जैसे पनीर जो है वो गायब रहता है, वैसे ही चाय में चाय पत्ती गायब है। बाबा चाय पिलाओगे? गाइस मेरा जो ये टी शर्ट है प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, ये टी शर्ट बहुत ही गंदा आ रहा है, आज फट जाएगा, आज फटने की कगार में है। आज चाय पी के देखते हैं कि चाय कैसा बना हुआ है, क्योंकि चाय पत्ती तो इसमें दिख नहीं रहा है। गाइस चाय मेरे से बेहतर कोई बना नहीं सकता है, लेकिन इसमें पतिदेव का प्यार है इसलिए अच्छा लग रहा है। प्यार और कुछ नहीं है, क्या है तो? अंकल का जो चाय तो फिर बनाया हुआ एक बार जो बनाते हैं ऑफिस में, वो इसकी सब चाय बहुत अच्छा लग गया। हाँ तो गाइस ये चाय जो है बहुत ही अच्छा है, तो चलिए चाय पीते, और डुगू को मैं दिखा रही हूँ डुगू क्या कर रहा है। टुकू यहाँ पे बना रहा है खाना, क्या बना रहे हो खाना में, क्या बना रहे हो? चिकन बना रहे हो? तो खिलाओ भाई, जल्दी बनाओ, पापा भूख लगा हुआ है। डुगू तुम लड़की हो क्या है? लड़की हो, उससे पूछिए डुगू तुम बॉय कर लो। हाँ बॉय, वाओ। सो गाइस डुगू जो है नमक के, संडे को क्या नमक, हाँ इसमें नमक है, थोड़ा कम है नमक। नमक कैसा है? अड़ू संडे को क्या खा रहा है? संडे को सो गाइस डुगू जो है वो बना रहा है चिकन, और अपने पापा को टेस्ट करा रहा है, बोल रहा है कि चिकन में नमक जो है वो है, नमक है, और नमक है, छोड़ दीजिए भाई, वो बनाएगा अभी और पकेगा डुगू, अभी और पकेगा डुगू। डुगू जो है वो चाय कह रहे हैं बना रहा है चिकन, और पापा को बोल रहा है कि पापा टेस्ट करके बताओ कि उसमें नमक है कि नहीं, थोड़ा सा नमक कम था तो हमने बता दिया है कि नहीं थोड़ा सा नमक कम है, और अच्छे से पका भी नहीं था,
तो अच्छे से डुगू पका रहे हैं। गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मेरे व्लॉग में आज से एंट्री हो रही है मेरे हस्बैंड जी की। पहले भी बता नहीं, पहले हुआ था, लेकिन पहले का बात वो था कि कभी आप आ गए, कभी हम रिकॉर्ड कर लिए, बट अब हम डिसाइड किए हैं, दोनों मिलके हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम लोग करेंगे क्या कहते हैं व्लॉगिंग, है ना, व्लॉगिंग भी करेंगे और साथ में हम सैटरडे संडे, क्योंकि ऑफिस है तो सैटरडे संडे ही हो पाएगा, सैटरडे संडे हम, मैं नहीं, मेरे जो पति देव हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल खाना, जिससे एक क्या होगा, जिससे क्या होगा, जिससे कुछ नहीं होगा, एक स्पेशल आप लोगों को खाना का रेसिपी मिलेगा, मेरा सीक्रेट्स मिलेगा आप लोगों को, जो बनाते हैं चिकन, सीक्रेट्स मिलने वाला है और साथ में मटन नहीं, अब तो नवरात्रि चल रहा है फिलहाल, अब तो नवरात्रि चल रहा है तो उसमें आप वेज कुछ बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं एक नॉनवेज का ही कुछ बनेगा। गाइस मेरा टी शर्ट बहुत ही बेकार, लिट्टी चोखा बनेगा, हाँ ये सब बन सकता है, लिट्टी चोखा बन सकता है, दुगले हो गए हैं। और तो हम लोग डिसाइड किए कि अब सिर्फ मैं नहीं बनाऊंगी, अब साथ में हम दोनों मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, अब पूरा फोकस करना है। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और लोगों में शेयर कीजिएगा। ओके, फिर हम लोग शाम को चलेंगे घूमने, तो उसका अपडेट देंगे कहाँ जाने वाले हम लोग, क्या करेंगे व्लॉग में, आपको डुगू का तो बात मानना पड़ेगा कि डुगू कह रहा है कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कम से कम हम मेरा और इनका नहीं, तो कम से कम डुगू का बात मान के फिर से बोलो गुड नाइट, नहीं दिन में गुड नाइट। सो एवरीवन, सबसे पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ, क्लीन करने के बाद आज मेरे हस्बैंड कुछ बनाने वाले हैं, और क्या बनाने वाले हैं वो आपको आगे वीडियोज में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं किचन को ठीक करती हूँ, और ये देखो चाय बनाने के बाद ये जो है इसको, सबसे पहले इसका हाल देखो आप, ये चाय बना है, ये पति देव बनाया है चाय। सो गाइस यहाँ बन रहा है हलवा, सूजी का हलवा, और ये घी हमारे घर का बनाया हुआ है। हाँ, और ये जो घी है वो घर का बनाया हुआ घी है। हम लोग थाली निकालते हैं, साला दूध में थाली मिलता नहीं है, मलाई जाता है उसी में, बिना मलाई का दूध नहीं पी सकते हैं, लेकिन मजबूरी है पीते हैं। आपको बिना मलाई वाला दूध कब मिलता है, जिस दिन आपको पीना होता है, नहीं जिस दिन पीना होता है उस दिन हम निकाल देते हैं, यहाँ यहाँ कैची कैची है, क्या कह रहे हो, बिना मलाई का दूध कौन पीता है, दूध मत पियो, जिस दिन आपको पीना होता है उस दिन हम नहीं निकालते हैं मलाई, सपना आता है कि हमको कब कब पीना है, आप बोलते हैं ना पहले कि दूध में मलाई मत निकालना हम पियेंगे, सपना आता है, बस बहुत हो गया, थोड़ा सा बस 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 बस। सो गाइस बस करने पे भी ये नहीं रुकने वाले, देखिए इतना सा, क्योंकि हम लोग कितना खाएंगे भाई हलवा सुबह सुबह, और आज से मेरे किचन में हेल्प करने वाले हैं मेरे पति देव, बनाते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बनाना पड़ेगा आपको हमेशा, नहीं पानी चढ़ा के और उस पर से इसको गैस जलाया नहीं है, सूजी को ब्राउन होने तक भूने, सूजी को ब्राउन होने तक भूने अच्छे से, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो पूरा अभी अस्त व्यस्त हुआ है, उसको थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक करना है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अभी सब कुछ ऊपर से निकाल के नीचे हमने रखा हुआ है बनाने के लिए, काजू किशमिश वहाँ नहीं है, काजू किशमिश है इधर, जब तक ब्राउन नहीं होना चाहिए, कच्चा लगता है, ब्राउन मतलब उतना ही ब्राउन नहीं एकदम गीला ही, ये हो गया ब्राउन ना, अब हमको तुम वो उसने दो, क्या बोलते हैं, बंद कीजिए इसको, बंद ही कम कीजिए, गरम है, गरम यहाँ है, बोले नहीं है आप, कोई बात नहीं, तो इसमें अब डाल रहे हैं, सो गाइस यहाँ पे इसमें अब डाल दी हम लोग नहीं पति देव दूध, हम बनाते हैं पानी से और ये बनाते हैं दूध से,
इनको दूध का ही पसंद है। पानी का हलवा खाए, पानी का भी हलवा बनता है, हम लोग तो वही खाए हैं। आप ही इसको भी हटाना है गाइस, ये भी बहुत खराब लग रहा है आटा और चावल। तो अभी इसमें दूध जो है वो डल चुका है, अब इसको थोड़ा सा आँच को तेज करते हैं, है ना। गांव में आज को, दिल्ली में फ्लेम को। क्या क्या बोले? आज को, आज हिंदी में आज ही बोलते हैं। सुनिए ना, हम बहुत कमी है मेरे में, जब कमी है तो क्यों शादी किए, क्यों किए शादी ब्याह? क्यों किए शादी, क्यों लाए बारात? हाँ बोलिए, अब क्यों चुप है? अरे अरे अरे, ये देखिए गाइस, ये क्या हो गया? हे हरिराम, क्या बोलता है? अरे गाइस गाइस, ये देखिए गाइस, अब किसमिस का डिब्बा, डुगो नहीं, रुको मामा देगी वो इधर। गाइस ये डुगो जो है वो पूरा किसमिस का डब्बा ही लेके चला गया था खाने के लिए। रुक जाओ, थोड़ा सा देंगे इसमें। हो गया, थोड़ा सा मीठा हम लोग कम ही खाते हैं, मतलब नॉर्मल, बहुत ज्यादा मीठा नहीं है ना। यहाँ पे काजू और किशमिश जो है, देखिए देखिए देखिए, काजू को थोड़ा तोड़ देंगे ना। हाँ तोड़ के इतना सारा डालिएगा जी। तो ये गया किशमिश, काजू को थोड़ा सा तोड़ के तब डालेंगे, है ना। कैसे तोड़िएगा, हाथ से, चाकू से? तो हथौड़े से तोड़ने वाले हैं काजू को। ये हाथ ही काफी है तोड़ने के लिए। अरे अरे अरे, आराम से भाई, बॉडी बिल्डर से ब्याह भइल बा, कोनो अगला अगला लोग से ब्याह भइल बा। गाइस पहले से दुबले हो गए हैं कह रहे हैं। और ये हलवा, थोड़ा सा गीला हलवा होता है ना तो अच्छा लगता है खाने में, क्या इतना भी गीला नहीं। ये हलवा जो क्या हलवा ना, हम आपको क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा डालिए, फैलता है ना बहुत ज़्यादा। हलवा जो है लगभग बनने वाला है, बस थोड़ा सा मतलब 5 से 7 मिनट लगेगा और बन जाएगा ये, है ना। ए बादाम मत डालिए, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा डालिए, छोड़ दीजिए बादाम। सो गाइस बादाम भी डाला जा रहा है, मतलब पूरा ड्राई फ्रूट्स डाल के और अच्छे से एकदम बनाया जा रहा है हलवा को। तो पूरा ड्राई फ्रूट्स डाल के उसके बाद से बनाया जा रहा है हलवा एकदम प्रेम से। इसमें बस थोड़ा सा और घी डाल देंगे तो हो जाएगा, अब इसमें जाएगा घी, बिना घी के कोई मजा नहीं है, पेट खराब होगा, देखा जाएगा, लेकिन घी चलेगा। चलो काम करो, पकड़ो ये दो, जाओ रख के आओ, फ्रिज जाओ रख के आओ, अच्छे से। हाँ बन गया, बन गया ना, बस थोड़ा ठंडा होगा फिर खाना। ओके अब बन गया। और शादी विवाह बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पे संपर्क कर सकते हैं, केवल सैटरडे एंड संडे, निशान कैटरिंग सर्विसेज। ओके गाइस तो प्लीज इनको फॉलो कीजिए, और सैटरडे संडे ये फ्री है, तो अगर जरूरत है तो आप लोग कॉल कीजिए। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस चलता है गाइस, सिर्फ सैटरडे संडे। फाइनली जो हलवा है वो बन के हो गया तैयार, और अब हम जा रहे हैं ब्रश करने। मैं तो कर रही हूँ ब्रश, और ये लोग ये करेंगे ब्रश, उसके बाद से फिर हम जाएंगे ब्रश, और मेरे ब्रश करने के बाद ये लोग जाएंगे ब्रश करने, उसके बाद से फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लॉग एक्वेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए जो हस्बैंड है वो एक्वेरियम को साफ कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लोग देखो आप, एक्वेरियम जो है वो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, इसलिए इसको हस्बैंड जो है वो साफ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, बेटा छोड़ दो टुकू, छोड़ दीजिए उसको, दे दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन हाँ गंदा बहुत ज़्यादा। पास से दिखाती हूँ, ये देखो आप कितना ज़्यादा गंदा हो गया था, यहाँ तक था ना पानी का लेयर, तो बहुत ज़्यादा। और इसका जो ये है पत्थर जो है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो बस साफ़ किया जा रहा है इसको भी। दो है इसमें ऑलरेडी, पहले 9 था मछली, जो सारी की सारी मछली जो है मर गई, अभी 2 बची हुई है, तो 10 मत लाइएगा,
सात लाइएगा, छः या सात, हाँ छः या सात लाइएगा और डाल दीजिएगा इसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा काफ़ी टाइम से। और एक चीज़ है इसमें पता है क्या, कि अगर हम आरओ का पानी डालते हैं ना तो काफ़ी दिन तक चलता है ना। बोलना क्या, हम लोग मस्त मटन खाए हैं, मटन निकाल सुबह सुबह मटन खा के अभी फ्रूटी पी रहे हैं और उसके बाद एक नींद जरूरी है, अभी छुट्टी बार बार मिलता नहीं है। तो हम चले सोने, सो के कहीं बाहर जाने का प्लान है और वो बाहर जाने का प्लान जो भी होगा बता देंगे आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने को हम कहाँ गए थे क्या कर रहे थे, है ना। और डुगू जी अपना क्या बोलते हैं, दाना पानी लेते हुए, दाना पानी वही है, दाना पानी लेते हुए तू हाय बोल दो, सबको हाय बोलो। लेकिन थोड़ा सा खाया है मटन, मतलब मटन ही खाया है, चावल और ग्रेवी जो है वो थोड़ा सा खाया है, इसको अच्छा मतलब अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी बदमाशी करता है ना, कभी कभी ऐसा होता है खेल रहा है तो नहीं खाता है। हम लोग सोने जा रहे हैं, बाय। सो गाइस, तो अब चलते हैं थोड़ा सा लेट में, फिर शाम का हमारा कहीं प्लान है तो वो हम बताएंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सॉरी, हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वो मिलेगा देखने को कि हम कहाँ गए थे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा है, तो ब्लॉग को सपोर्ट जरूर कीजिए हमारे, सपोर्ट कीजिएगा तो हम नया नया कंटेंट लाएंगे उसमें। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बनना चाहिए और नेक्स्ट ब्लॉग में खाने में क्या बनना चाहिए, तो वो मैं बना। हाँ, अगर आप ये बोलोगे कि खाने में ये खाने का ये रेसिपी डालो बनाओ, तो खाना बनाने का वीडियो बनाने का शूट करने का जिम्मेवारी मेरा है, लेकिन खाना बनाने का जिम्मेवारी इनका है। तो रेसिपी जो है वो ये देंगे, रेसिपी हम बनाएंगे। हाँ, रेसिपी ये बनाएंगे, बनाएंगे और मस्त सबको दिखाएंगे क्या बनाए हम लोग। हाँ, तो आपको मतलब कैसा वीडियो देखना है, जितना कमेंट करिए। हाँ, अगर कमेंट आएगा कि जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा उस पर हम लोग खाने का रेसिपी बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे रेसिपी बनाएंगे या फिर आगे क्या हम लोग को डालना है वीडियोस में, तो वो भी टॉपिक क्या होना चाहिए वो आप जैसे जैसे बताओगे तो फिर हम लोग वैसे डालेंगे। दिन भर घर का ब्लॉग ब्लॉग बना के ऑडियंस भी पूरा जाता है, बाहर का चीज देखेगा, खाना वाना देखेगा, मजा आएगा क्योंकि खाने में। और हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसलिए क्योंकि खाना ये बनाने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।